उत्तराखंड पुलिस भर्ती घोटालों के खिलाफ गांधी पार्क के बाहर बीते दिनों धरना प्रदर्शन करने वाले करीब 4,000 बेरोजगार युवाओं के समर्थन में आज युवाओं ने शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए जेल में बंद बेरोजगार युवाओं की रिहाई की मांग की है। मजदूरी व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने प्रशिक्षित बेरोजगार संघ अध्यक्ष संजीव पवार ने कहा कि उत्तराखंड में लंबे समय से बेरोजगारी को लेकर युवाओं की मांग चल रही है और जब जब युवाओं ने मांग की है तो युवाओं को उत्पीड़न किया गया है। उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो। मसूरी से नरेश नोटियाल की रिपोर्ट। हमारे द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार विगत 3 से 4 वर्षों से हम कोई भी स्टेट का एग्जाम देते हैं तो वो हर दूसरे से तीसरे दिन वो पेपर लीक हो जाता है और लगातार 4 वर्षों से ये जो समस्याएं, इन समस्याओं से जो पूरा प्रदेश जूझ रहा है, ये कहीं ना कहीं लंबे समय से रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर युवाओं की मांग रही है और इसी मांग को लेकर जब जब युवा सड़क पर उतरे हैं उनके साथ उनका उत्पीड़न किया है, जिस प्रकार से गांधी पार्क पर पिछले दिनों करा गया।